हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु सिंह। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डबल फ्रिल स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान सा इसका मेथड है। इस स्लीव को हम ब्लाउज में, कुर्ती में, किसी भी चीज़ में हम अटैच कर सकते हैं, जो अपर पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ये बनती हैं। तो देखिए, मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो लंबाई मैंने ली है वो 10 इंच है, यानी कि इस तरह से ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये 10 इंच है। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं एक बार, और जो इसकी मैंने लंबाई रखनी है जो स्लीव्स की, तो वो मैं 5.5 इंच रखूंगी दोस्तों, इस तरह से। तो ये बिल्कुल सीधी ही पट्टी हमने एक बार कट की है मेरे पास जो फैब्रिक था उसमें से। तो इसको हम कैसे डबल फ्रिल में हम कैसे कट करेंगे वो अब मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, यानी कि ये देखिएगा, यहां से हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, और उसके बाद जैसे हम स्लीव्स का राउंड देते हैं, जो हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं, सेम वो ही राउंड हमने इसके ऊपर देना है। बट इसमें हमने एक ख्याल रखना है, ये हमारी मोहरी वाला हिस्सा होएगा और ये हमारा आर्म होल होएगा, यानी कि जो हम ऊपर की तरफ रखते हैं वो हमने नीचे की तरफ रखना है और ये हमने ऊपर की तरफ रखना है। तो इसको हम एक बार कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी कटी है हमारी स्लीव, जैसे कि हम सिंपल स्लीव कट करते हैं, यानी कि ये मोहरी बनाते हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा, बट इसमें ये मोहरी है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये हमने एक हिस्सा कट कर लिया है। इसके ऊपर जो फैब्रिक हम लगाएंगे, हमारे पास इतना ही कुछ कुर्ती के साइड में से फैब्रिक बचा था। आप भी सोचो कि बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक हमारे पास बचा है तो कैसे बनेगी। तो ये अगर इतना भी फैब्रिक आपके पास है तो हमारी दोनों स्लीव निकल जाएंगी। तो इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और यहां से इसको अलग कर लेते हैं। एक बार हम इसके ऊपर इसको एक बार रखेंगे। ये हमने 3 इंच की लेनी होती है दोस्तों, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनके 5.5 मैंने इसकी लंबाई ली है और 3, 3.5 हम इसकी रख सकते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे इस तरह से, और इसकी भी हमने राउंड शेप दे देनी है इसी तरह से। आप पहले ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 3 वाली पहले कट कर लेना, यानी कि ये वाली पहले कट कर लेना, और उसके बाद आप दूसरा हिस्सा है जो बड़ी फ्रिल है हमारी वो कट कर लेना। तो एक हिस्सा हमारी जो छोटी फ्रिल है ये हो गई इस तरह से। जैसे कि अगर बाय चांस हम छोटी फ्रिल पहले कट करेंगे तो हमने जो दूसरी फ्रिल है वो कुछ इस तरह से कट करनी है, यानी कि आप कितना रखना चाहते हो, जो नीचे वाली है 2 या 1.5 आप रख सकते हो। तो यहाँ हम 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ से हमारा कम होता चलेगा दोस्तों, क्योंकि जो नीचे फिनिशिंग हमने दिखानी है वो कुछ इस तरह से ही दिखेगी, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा और नीचे आकर के बिल्कुल ही कम। यानी कि हमने यहाँ से 1 इंच के करीब रखा, यहाँ 1.5 इंच के करीब सेंटर से, और यहाँ 2, ऐसे हम रख सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसको एक बार कट कर लेंगे। अगर जैसे कि हल्की सी थोड़ी सी और फिनिशिंग चाहिए तो हम हल्की सी यहाँ से शेप दे सकते हैं आर्म होल के लिए, जिससे हमें ये आइडिया रहेगा कि ये हमारा आर्म होल है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर बाय चांस कई बार यहाँ से कोई कोई बिल्कुल ही खत्म करने की सोचता है, इनके जो हमारे अंडरआर्म्स होते हैं वहां बिल्कुल ही 0 साइज होता है, तो उसमें हम इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसको मिलाया और ऊपर वाली को बिल्कुल उसी नोक के साथ मिला दिया, वो भी स्लीव बहुत सुंदर लगती हैं। बट जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ तक हम रखें, इतना सा है इसलिए हमने इतना सा रखा है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर हमने पिको कर लेनी है, यानी कि जो 2 हमारे हिस्से हो गए इसके ऊपर हम पिको कर लेंगे, जो हमारा राउंड एरिया है इसके ऊपर भी
और इसके ऊपर भी। बाय चांस आपके पास पिको की मशीन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप एक सिंगल सिलाई ध्यान से देखिएगा इस तरह से करके और थोड़ा है इसको खींचते हुए पूरे पर सिंगल सिलाई लगा देना। उसके बाद एक बार और इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल पतला हमने फोल्ड करना है और फिर एक सिलाई और हमने खींचते हुए इसको लगा देनी है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से इसकी लेयरें बनेंगी और बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो चलिए हम एक बार इस पर पिको कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार पिको करने से पहले मैं इसके ऊपर यहाँ से एक बार सीधी सिलाई लगा लेती हूँ ताकि मुझे पिको करने में भी आसानी रहे और ये जो मेरी स्लीव्स हैं ये दोनों एक साथ ही डटी रहे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सिलाई लगा ली है, अब हम इसके ऊपर पिको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर पिको कर लेनी है। मेरे पास ये मशीन है, अगर आपको इसके बारे में भी पूरी नॉलेज चाहिए है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत अच्छी मशीन है दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसमें सभी डिजाइन्स, मोहरी जो सलवार मोहरी होते हैं वो भी बनते हैं, पिको भी होती है, इंटरलॉक भी होती है। अगर आपको इस मशीन के बारे में भी नॉलेज चाहिए ये कैसे चलती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके लिए भी आपकी पूरी वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से इसमें पिको होकर आती है, अच्छे से शायद आपको दिख रही हो। तो इस पर हम एक बार पूरे पर पिको कर लेते हैं, इससे इंटरलॉक भी, डिजाइन भी और बहुत से इसके साथ इसके फुट आते हैं जिससे हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो आप भी अगर इस मशीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमने पिको इसके ऊपर लगा ली है, आप इस पर सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर दिखती है। अब आपने क्या करना है, जो हमने ये स्लीव है इसको इस तरह से पलटेंगे और पूरे ओपन में एक बार कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है पूरे पर नीचे तक। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनी है और ये बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों, फिर भी मैं आपको कुर्ती डाल के इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर ये बनी है, अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।